राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए ले आए हैं पितरों के लिए धूप दान और तर्पण की विधि फागुन की अमावस्या के लिए। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार 10 मार्च को मनाई जाएगी। हिंदू परंपरा के अनुसार अमावस्या का दिन श्राद्ध करने के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। जो लोग पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फागुन माह के कृष्णपक्ष की अमावस्या तिथि बहुत लाभकारी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या अगर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को पड़ती है तो ये सूर्य ग्रहण से ज़्यादा फलदायी होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि फागुन अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार फागुन माह चंद्र वर्ष का आखिरी महीना होता है। कहते हैं कि इस माह में श्राद्ध करना बेहद अनुकूल और शुभ माना जाता है। ये पर्व पितरों के लिए धूप दान और तर्पण आदि कर्म करने का है। घर के मृत सदस्यों को पितृदेव कहा जाता है। इस तिथि पर काले तिल, अनाज, धन, कपड़े, जूते, चप्पल का दान करने की परंपरा है। इस दिन किया गया दान पुण्य पितरों को मोक्ष दिलाता है। पितरों के आशीर्वाद से परिवार के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं इस बार फागुन की अमावस्या पर किस तरह से धूप दान करना चाहिए और कब करना चाहिए। दोपहर में सतर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं, इसीलिए अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म और धूप ध्यान और दान पुण्य करने की परंपरा है। पितरों के लिए ये सभी शुभ कर्म दोपहर में करना चाहिए। सुबह का समय देवी देवताओं की पूजा के लिए श्रेष्ठ रहता है और दोपहर का समय पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करने के लिए सबसे अच्छा रहता है। आइए जानते हैं किस तरह से धूप ध्यान करना चाहिए, क्या है इसकी विधि। इसके लिए दोपहर में गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब पितरों का ध्यान करते हुए गुड़ और घी अंगारों पर अर्पित करें। इसके बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करें। अगर आप चाहें तो किसी नदी के किनारे भी पितरों के लिए पिंडदान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पितरों को धूप ध्यान कर सकते हैं। और आप जानते हैं अमावस्या पर पितरों की पूजा और तर्पण की विधि क्या है, कैसे करनी चाहिए। पितरों की पूजा इस दिन फागुन अमावस्या के दिन तर्पण करना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन तर्पण के लिए सूर्योदय के समय किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन आप किसी पुरोहित से तर्पण करा सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पितरों के स्थान या फिर जहाँ पर इनकी तस्वीर लगी हो उस जगह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इसके बाद उस स्थान पर देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। पितरों की तस्वीर पर सफ़ेद चंदन का तिलक करें और उन्हें सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। फागुन अमावस्या के दिन भगवान शिव शंकर और अग्नि देवता और ब्राह्मणों को उड़द की दाल, दही और पूरी के रूप में नैवेद्य जरूर अर्पण करें। और इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भोलेनाथ का गाय का दूध, दही और शहद से अभिषेक करें। किसी गौशाला में गाय के लिए हरा चारा या फिर चारे के लिए धन का दान करें। और अब जानते हैं फागुन की अमावस्या पर तर्पण करने की विधि क्या है। इसके लिए सुबह उठने के बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात सूर्य को जल देते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और इसके बाद तर्पण के लिए आसन पर बैठ जाएं। जहां पर आप बैठे हैं उस स्थान को साफ कर पितरों का तर्पण शुरू करें। पितरों के तर्पण में तिल का खास महत्व बताया गया है। पितृ तर्पण में तिल मिला हुआ जल का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्पण पूरा होने के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराएं।
भोजन के बाद अपनी क्षमता के मुताबिक उन्हें दक्षिणा दें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो ये अनुष्ठान भी संपन्न करें। इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन अपने पितरों को नाम से अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी आदि का दान करें और फागुन अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल के पेड़ का 7 चक्कर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करते समय अपने पूर्वजों को याद करने से वे खुश होते हैं और अपने संतानों को आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से आप फागुन की अमावस्या पर अपने पितरों के लिए दान तर्पण और धूप दान कर सकते हैं और इसके साथ ही इस दिन शाम के समय ये शुभ कार्य अवश्य करें। अमावस्या पर सुबह यदि शिव पूजा न कर पाए तो शाम को सूर्यास्त के बाद शिव पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, धूप दीप जला करके आरती करें, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें और अमावस्या पर घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं और तुलसी की परिक्रमा करें। ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श ना करें और इसके साथ ही अमावस्या पर महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करने की भी परंपरा है। यदि लक्ष्मी जी और विष्णु जी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करें, मिठाई का भोग तुलसी के साथ लगाएं और किसी मंदिर में पूजन सामग्री का दान करें, बाल गोपाल का अभिषेक करें, माखन मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं तो फागुन की अमावस्या पर ये शुभ काम शाम के समय जरूर करें और इस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य भी कर सकते हैं। फागुन अमावस्या पर एक लोटे में जल, सफ़ेद फूल जैसे कि चंपा, जूही या मालती का फूल, काले तिल डाल करके पितरों को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के लिए जल हथेली में लेकर अंगूठे की ओर से चढ़ाएँ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस भाग पर अंगूठा होता है उसे पुत्र तीर्थ कहा जाता है। का समय 12:30 श्रेष्ठ होता है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है और वो अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। तो इस वेद के द्वारा भी आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी फागुन के अमावस्या पर धूप दान और श्राद्ध तर्पण की विधि। अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें और प्रसन्न रहें। हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोर्सेस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जिससे कि पोस्ट बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलती है तो आवाज़ भी सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ हमें ज़रूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।